ना होवे तो अपन जीवन चलता है होवे भाग यहां से आज पकड़ मेरा अरे रास्ता पार करने का है ना मुंबई दर्शन करने चल हल अरे पॉकेट गिर गया तेरा ये हेलो मेरा पॉकेट गिर गया था थैंक यू वेरी मच सर हेलो नाम क्या है आपका मेरा नाम धर्मराज भैया मुंशी पता है इसमें क्या है हजारों रुपए क्रेडिट कार्ड्स लाइसेंस अबे तो मेरी अमानत है ना दूसरे की अमानत में ताक जा करने की टेव नहीं है मुझे अरे सालों हो गए मुंबई शहर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं आप मेरी गाड़ी के पीछे ऐसे भागते हुए आए मेरा पर्स वापस कर दिया है आपने खोल के देखा तक नहीं आई एम ग्लैड थैंक यू वेरी मच इस शहर में आज भी ईमानदारी जिंदा है बात ऐसी है ना कि ईमानदारी और संस्कार मानस में होते हैं शहर में नहीं हाँ आदमी पर वही तो नहीं मिलता यहाँ हेलो हेलो खैर ये आपके लिए अरे ना ना अरे रहवा दो अरे रहवा दो अरे रख लो रख लो अरे संभलो देख रुपया देके गया हाथ में 8,000 रुपया है 8,000 रुपए दे गए वो हाँ जो ना कमाल की नगरी है एक तो आते ही 120 रुपया खीसे में से निकाल के ले गया ये दूसरा देख के चला गया मालिक ये इस बात का संकेत है कि खुडियार में हमारे साथ है वो बात तो बरोबर है पर कुछ किया नहीं ना मैंने ये कमाने के लिए मालिक ये आपकी ईमानदारी का फल है अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो बटवा खोल के देखता शायद इतने सारे पैसे देकर वो बटवा भी नहीं लौटाता मालिक आप ऐसे सोच लीजिए कि कुंडियारमा ने आपको आपकी ईमानदारी का फल दिया है चल ठीक जय कुंडियारमा चल खाते हैं कुछ जाके हाल पर मालिक किसी बड़े होटल में नहीं और वड़ा पाव भी नहीं खाना मुझे हाँ तो क्या मेरा मगज खाएगी या? नहीं वो हाल हाल चल क्या हुआ मालिक आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं अरे जो ना ये दागिने का प्रदर्शन है मुंबई में बहुत सुना है मैंने इसके बारे में जाना चाहिए कब है मालिक अरे आज है 4 तारीख देखना ये जाएंगे ना इधर तो हो सकता है कोई काम मिल जावे ये भाईला आजो ये कोहिनूर किधर है कोहिनूर आप बाजू चल संतुड़ी जो ऐसे कपड़े में तो जा नहीं सकते ना चल कपड़े खरीद के देता हूँ तेरे को नहीं मालिक अभी कपड़ों में पैसे खर्च मत कीजिए हम कपड़े बाद में खरीद लेंगे अभी हम ऐसे चलते हैं चल ठीक है